नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सतन और Tripple.com पर आप देख रहे हैं बिजनेस और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। फर्स्ट इंप्रेशन करियर या व्यवसाय में हमेशा ही एक अहम किरदार निभाता है। पहला प्रभाव किस पर कैसा पड़ता है यह काफी महत्वपूर्ण होता है। पब्लिक रिलेशन भी एक ऐसा ही सेक्टर है जहां फर्स्ट इंप्रेशन का खास ख्याल रखा जाता है। एक गुमनाम शख्स प्रोडक्ट या सर्विस को एक ब्रांड बनाना एक PR एजेंसी का कर्तव्य है। देश की कुछ खास PR एजेंसियों में से एक इंदौर स्थित इंप्रेशन PR का भी नाम आता है। पिछले 5 सालों से सफलतापूर्वक संचालित इंप्रेशन PR की फाउंडर नेहा गुप्ता लंबे समय से PR इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी की फाउंडर नेहा गुप्ता बताती है कि उनकी कंपनी का किसी भी दूसरी PR कंपनी से यदि तुलना किया जाए तो तुलना में उनका अधिक सफल रहने का एक विशेष कारण है कि वे अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी की गारंटी देते हैं। साथ ही नेहा ने बताया कि कंपनी आज असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों के गुवाहाटी, पटना, मुजफ्फरपुर, रायपुर, बिलासपुर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और अहमदाबाद जैसे बड़े लगभग 40 से भी अधिक शहरों में कार्यरत है। सोनी सबके बावले उतावले ने 3 साल के लीप के साथ दर्शकों को हैरत में डाल रखा है। फुंटी अपनी याददाश्त खो बैठी है और भूल चुकी है कि गुड्डू उसका पति है। अब इस शो में एक एक्टर के तौर पर शिवानी बडोनी के लिए काफी कुछ बदल गया है। शो में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए शिवानी कहती है कि वह पहली वाली फुंटी से ज्यादा अभी की फुंटी से मिलती जुलती है, क्योंकि पहले वाली जो फुंटी का किरदार था उसके लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ती थी भाई, क्योंकि वो उनके बिल्कुल उलट है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो पुरानी फुंटी थी वो शर्मीली थी, डरी सहमी रहती थी, बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त भी करती थी। हालांकि फुंटी के नए वर्जन को निभाने के लिए वो ज्यादा सहज महसूस करती हैं, क्योंकि काफी हद तक वो उनके ही तरह है। अब शिवानी का कहना है कि ये जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, पर्देपन ऑन स्क्रीन कलाकारों के साथ उनके तालमेल में भी आया है। अपने को स्टार्स के प्रति अपने प्यार के बारे में बताते हुए शिवानी कहती है कि मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतने बेहतरीन को स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। सोनी सबके शो अलादीन, नाम तो सुना ही होगा, मैं पूरे सीजन के इस रोमांचक सफर में अलादीन और उसके साथ ही जीनू की दोस्ती में काफी कुछ बदलाव देखा गया है। सबसे अधिक रोमांचक यात्राओं पर दर्शकों को ले जाने के दौरान ये दोनों हमेशा साथ साथ रहे, लेकिन इस शो के नए सीजन में अब ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। लेकिन इनका ऑफ स्क्रीन रिश्ता बेहद खास है। अलादीन का किरदार निभा रहे सिद्धार्थ निगम और जीनू की भूमिका में है राहुल टंडन। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं। जैसे ही कैमरा बंद होता है तो पर्दे के ये दुश्मन वास्तविक जीवन में ढेर सारी शैतानियां मस्तियां करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। राहुल कहते हैं कि हम दोनों लगभग हर दिन एक साथ वक्त बिताते हैं और मुझे याद है कि सेट पर ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता जहां हम दोनों हमारी संग बैठने का या थोड़ा भी मौका मिलने का फायदा ना उठाएं। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई रियल लाइफ में जिनू मेरे बड़े भैया हैं और हमेशा रहेंगे भी, मेरा उन पर विश्वास है और किसी भी चीज के लिए मैं उन पर आंख मीच कर भरोसा कर सकता हूं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर के पीछे की हकीकत जानना है तो बने रहिए Tripple.com पर।